इंशाल्लाह। बस मैंने ट्रे ले ली है, उसको ऑयलिंग कर ली है, उसके ऊपर बटर पेपर लगा ली है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अब वो मिक्सचर जो है वो ठंडा हो रहा है और मैं उसके अंदर मिक्सचर ऐड कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है हमारी सूजी की टुकड़ियाँ, मैं चम्मच दूँ। और अब हम इसको यूं करके टैप कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना सूजी की टुकड़ियों के लिए जो मिक्सचर तैयार किया था वो हमने ट्रे के अंदर डाल ली है, उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया, फैला लिया है। और अब हम इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद ये 2 से 3 घंटे लेगा तैयार होने में, जगह पकड़ने में। अच्छा व्यूअर्स, मुझे अपनी ये जो सूजी का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया है इसको ट्रे में डाले हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब स्टेज पे मैं एक कटर ले लूँगा और कटर लेके मैं इसकी कटिंग कर लूँगा, क्योंकि अगर हमने थोड़ी देर लगाई तो ये ज़्यादा मज़ीद ठंडी हो जाएगी और जब मज़ीद ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको काटना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी व्यूअर्स, हमने अच्छे तरीके से कटर के साथ हमने अपने कट्स लगा लिए हैं, शेप बना ली है। अब हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और बेहतर तो ये है कि इसको 2 से 2.5 घंटे ठंडा किया जाए ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी जगह पकड़ ले। तो मैं आपसे 2 घंटे के बाद आप दोबारा मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारी सूजी की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत ही नरम और खस्ता सी बनी है। मैंने इसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट मलाई का ऐड किया था जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी, नरम नरम सी और मज़े की हैं। ये देखिए कितने मज़े से आराम से टूट रही हैं, और मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है माशाल्लाह इनकी। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी, और आप लोग मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह इस रेसिपी को भी एक दफ़ा अपने घर में अपनी फैमिली के साथ ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आखिर मैं इजाज़त चाहता हूँ, अज़र रब्बानी को इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, आपके खानों में लज़त डाले। अल्लाह हाफिज़।